नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। कल वापस एक नोटिफिकेशन आया है कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का जो एडमिशन का प्रोसीजर है वापस एक्सटेंड हो गया है और उसका तारीख अभी 6/10/2020 हो चुका है। तो अभी ये पिछले 1.5 महीने से डेट एक्सटेंड हो रही है। जो पेरेंट्स है जिन्होंने अपने बच्चों के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है कि वो कन्फ्यूज़ होंगे कि इस लॉकडाउन में कब क्लासेस स्टार्ट होंगे, कब क्या होगा, तो आप उसके बारे में मत ज़्यादा सोचिए। अभी आपने अगर डिसीजन लिया है कि आपका आपके बच्चे का एडमिशन डिप्लोमा लेना है तो आपका डिसीजन एकदम राइट है। आप क्या कीजिए, खाली अभी उसको फर्स्ट ईयर का सिलेबस देख के आप उसका पढ़ाई घर पे चालू कर दीजिए, क्योंकि अभी ये जो टाइम चल रहा है कोविड का, आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल आपके पास है, आपका मोबाइल और उसमें इंटरनेट। आप उसका यूज़ करके आप घर पे बैठ के जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसका पढ़ाई कर सकते हो। वो कैसे करना है, क्या करना है, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बहुत सारे वीडियो भी दिखाई देंगे कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है क्या नहीं, लेकिन इसको मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊँगा कि कैसे करना है। आपके पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट थ्री सब्जेक्ट्स है। आपका पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसको 70 मार्क का आपका पेपर है। उसमें क्या क्या सिलेबस है, अप्लाइड ग्रामर है, मतलब उसमें टेंसेस वगैरह जो आपके 10th तक हुआ है वही उसमें आने वाला है। फिर कॉम्प्रेशन, मतलब पैराग्राफ रीडिंग है और उसके ऊपर से आंसर। फिर पैराग्राफ राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। उसके बाद ओकेबलरी बिल्डिंग एंड स्पीचेस, ये कुछ उसमें कंटेंट है आपका जो इंग्लिश फर्स्ट ये है सब्जेक्ट है उसमें ये कंटेंट है आपका। और फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है सारे ब्रांचेस को कॉमन है, आप मैकेनिकल लीजिए, इलेक्ट्रिकल लीजिए, कौन सा भी लीजिए। उसमें जो ग्राफिक्स जो है मैं वो आगे बताऊंगा। अभी ये इंग्लिश का हो गया 70 मार्क्स का। उसके बाद है बेसिक मैथमेटिक्स, ये भी कितने मार्क्स हुआ आपको 70 मार्क्स के लिए। और बेसिक मैथमेटिक्स में चैप्टर कौन कौन से आने वाले लिख लो, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिक्स एंड मेजरमेंट, ये कुछ चैप्टर्स है। उसमें से कुछ कंटेंट मैं आपको पहले दो चैप्टर के कंटेंट बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो पहला चैप्टर है आपका अलजेब्रा, उसमें क्या क्या है, लॉगरिथम है, उसके बाद डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस है, उसके बाद टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह ऐसे कंटेंट है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड चैप्टर, रेशो ऑफ कंपाउंड अलाइड एंड मल्टीपल सब मल्टीपल, उसके बाद फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन। अभी आप बोलोगे सर आप तो ये सिलेबस बता रहे हो तो इसके ऊपर से हम कैसे करें। अभी देखो, आप एक मैथ में एक टॉपिक है डिटरमिनेंट, इसके बाद डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस है। आप क्या कीजिए, आपको यूट्यूब पे खाली डालना है डिटरमिनेंट, ठीक है। आपको 12th में भी डिटरमिनेंट चैप्टर है, 11th 12th में, उसके भी वीडियो आपके सामने आएंगे। जो कुछ डिप्लोमा के यूट्यूबर्स है उन्होंने भी कुछ सब वीडियो डालेंगे होगी, वो भी आपके सामने आएंगे। आपके सामने बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ रहेंगे, आपको देखना है कि आपको किस टीचर की लैंग्वेज समझ में आती है और वो वीडियोज़ आपको कवर कर लेने। कॉलेज स्टार्ट होने से पहले आपने 2-3 भी चैप्टर कवर कर लिए तो भी बहुत है आपके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बेसिक साइंस, 1st, 2nd और 3rd। अभी ये जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस में दो पार्ट्स आते हैं। दो पार्ट्स कैसे, देखो, एक आता है आपका फिजिक्स और एक आता है आपका केमिस्ट्री, ठीक। फिजिक्स और केमिस्ट्री, अभी आप बोलोगे फिजिक्स में क्या क्या कंटेंट है। फिजिक्स जो है इसमें क्या है, यूनिट, जैसे आपका सेंटीमीटर रहता है, मीटर रहता है, वो फर्स्ट चैप्टर उसके ऊपर बेसिस पे है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म, ठीक है। जो उसके बाद सेमीकंडक्टर, हीट एंड ऑप्टिक्स। अभी आप इसका सिलेबस देख के, वो भी अगर आप YouTube पे एक एक कंटेंट डालोगे तो भी आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वही सिलेबस सेम 11th 12th को भी है, ठीक है। आपको खाली सर्च करके देखना है कि आपको कौन सा उसमें से टॉपिक चूज़ करना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आता है केमिकल बॉन्डिंग, फर्स्ट चैप्टर है मेटल करोजर, पेंट्स, वार्निशेस, ये भी चैप्टर आप YouTube पे सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मेटल, ये करोजन चैप्टर एकदम सिंपल है, पेंट एंड वार्निशेस भी एकदम सिंपल चैप्टर है।
आपको मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश, ये तीन आपको थ्री पेपर्स देना है 70-70 मार्क्स के। उसके बाद तीन और सब्जेक्ट है जिसमें क्या करना है आपको, प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो, ये हुए आपके थ्योरी के, फिर इसके बाद अभी प्रैक्टिकल के। आईसीटी बोल के, बेसिक ऑफ आईसीटी बोल के, इसमें क्या है कि कंप्यूटर का जितना होता है, मतलब कंप्यूटर में जो जो आपको कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से है क्या है वो देखना है, फिर उसके बाद एडिटिंग वगैरह कैसे करना है, ठीक है। फिर ग्राफिक्स, और वर्कशॉप प्रैक्टिसेस। ये ग्राफिक्स मतलब क्या, ड्राइंग है, वो ड्राइंग का आपको उसमें कवर करना है। ये प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, जितने ये थ्योरी है उसके ऊपर ध्यान दे के आप, आपका सिलेबस आप घर बैठे कवर कर सकते हैं। थैंक यू।